शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तान साधु की नीति दूसरा अध्याय ग्यारहवीं कहानी फहु में सुखन घर न कुनत मुस्तमा कुहते तवा अज मुस्तकले मजोय फुसते मैदान इरादत बयार तावसनत मर्दे सुखन। जब सुनने वाले में समझने की योग्यता नहीं होती तब कहने वाले की बात का उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। पहले समझने की योग्यता पैदा करो, फिर तुम कहने वाले की बात से लाभ उठा सकोगे। बलबक की बड़ी मस्जिद में मैं एक समाज के लोगों को उपदेश देने के ढंग से वक्तव्य दे रहा था। उस समाज के लोग ऐसे शुष्क और मुर्दा दिल थे कि इस लोक में रहकर परलोक की राह अवलंबन करने में बिल्कुल असमर्थ थे, अर्थात संसार का कार्य करते हुए परलोक को पहुंचाने का उपाय निरीक्षण करने में अशक्त थे। मैंने देखा कि मेरे उपदेश का उन पर कुछ असर न हुआ और मेरी ईश्वर भक्ति रूपी अग्नि ने उनके हृदय रूपी हरे जंगल को प्रज्वलित न किया। मैं उन जंगली जानवरों को उपदेश देता देता और अंधों को आईना दिखाता दिखाता परेशान हो गया, परंतु उद्देश्य सिद्ध न हुआ। बातचीत की अविच्छिन्न श्रृंखला इतनी बड़ी कि कुरान के इस पद का वर्णन आया, हम अपनी गर्दन के नस की अपेक्षा भी उसके निकट रहते हैं। मेरा वाद यहाँ तक बढ़ा कि मैंने कहा, मेरा मित्र स्वयं मेरी अपेक्षा भी मेरे निकट है, परंतु आश्चर्य यह है कि मैं उससे दूर हूं। मैं क्या करूं और किससे कहूं, क्योंकि वह मेरी गोद में है पर मैं उससे जुदा हूं। मैं उसकी बातचीत के मद से मतवाला हो गया हूं और प्याले की दवाइयां यानी दारू मेरे हाथ में है। इसी समय उस मंडली के निकट से एक मनुष्य गुजरा। वह मेरे अंतिम शब्दों से ऐसा उत्साहित हो गया और इतनी ताकीद के साथ नशीहत करने लगा कि सब लोग वाह वाह करने लगे और समाज एक अत्यंत उत्साहजनक आनंद में संयुक्त हो गया। मैंने कहा, भगवान, जो लोग तुझसे बहुत दूरी पर हैं, वे तुझे जानते हैं, पर जो लोग तुझको नहीं जानते वे निकट होने पर भी तुझसे दूर हैं। जब सुनने वाला बात को समझता नहीं तब वक्ता के उपदेश का जरा भी असर नहीं होता। प्रथम सीखने की इच्छा को बढ़ाओ कि जिसे वक्ता अपने वक्तव्य को अच्छी तरह कह सके और तुम पर असर डाल सके। कहानी से शिक्षा। हरदम मनुष्य के पास जो उसे अपने पास छोड़कर दूसरी जगह खोजते फिरते हैं वे अज्ञानी हैं। जो लोग ईश्वर को जानते हैं वे उसके नजदीक हैं, परंतु जो उसे नहीं जानते वे उसके नजदीक रहने पर भी उससे दूर हैं। दूसरी बात यह है कि नसीहत देने वाले को नसीहत का असर तभी हो सकता है जबकि सुनने वाले ध्यान पूर्वक सुने। अगर सुनने वाले ध्यान न दे तो वक्ता का बोलना व्यर्थ है। कहानी।